हेलो दोस्तों, हमने एक पिजन का कुकर बाय किया था 8 महीने पहले। तो उस पर देख सकते हो, इसमें बताया गया 5 लीटर की इसकी कैपेसिटी है और 5 ईयर्स की इसकी वारंटी है। इंडक्शन बेस्ड कुकर है, ठीक है दोस्तों। तो 8-10 महीने पहले हमने बाय किया था। ये इसका बिल है, इस पर भी रेट वगैरह मेंशन की गई है, ठीक है। जो इसका दूसरा बिल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कितने रुपये में बाय किया था हमने। 718 रुपये में बाय किया था। तो दोस्तों ये इसका ढक्कन है कुकर का, ठीक है। इस पर भी ISI मार्क लगा हुआ है और विजन की ब्रांडिंग हुई हुई है। ये रबड़ वगैरह बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और ये हैंडल वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसका, ठीक है दोस्तों। तो इस कुकर की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी इसकी ठीक है। ये ज़्यादा ही भारी नहीं है और ज़्यादा हल्का भी नहीं है, मतलब अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है। लेकिन हमने इसको इंडक्शन बेस के लिए खरीदा था कि आके हम इसको इंडक्शन कुकर पे यूज़ कर सकें। तो दोस्तों इसको हमने 5-6 महीने में ये ख़राब होना शुरू हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे से, ये आप देख सकते हो कि नीचे से बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ये बर्फ यहाँ से उखड़ चुकी है, तो अब ये इंडक्शन बेस पे काम नहीं करता, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इस कुकर को इंडक्शन बेस के लिए लेना चाहते हो तो दोस्तों इसको बिल्कुल भी बाय मत करना, क्योंकि ये 5-6 महीने में ही आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। हमने इसके रिलेटेड ईमेल भी डाला है कंपनी को, अगर कंपनी देखते आगे इसे कौन क्या रिस्पॉन्स करती है, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसको इंडक्शन बेस के लिए लेना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको बाय मत करना, ठीक है दोस्तों। हम ऐसे ही बहुत सारी वीडियो बनाते रहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और कौन सा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। धन्यवाद दोस्तों।